मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले वासियों को 84 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से होने वाले 32 विकास कार्यों की सौगात दी है, जिसमें 61 करोड़ 97 लाख रुपए के 18 कार्यों का लोकार्पण और 22 करोड़ 72 लाख रुपए के 14 कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया। सीएम ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने लिया है। आरक्षण बढ़ाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का कहीं उल्लंघन नहीं हुआ है। इस मौके पर विभिन्न समुदाय के लोगों ने सीएम का स्वागत करते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ी व्यंजनों और सब्जियों से तराजू पर तोला। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन का कहीं उल्लंघन नहीं हुआ और 50% तक के था, लेकिन विशेष परिस्थिति में आरक्षण दिया जा सकता है। जनसंख्या के आधार पर जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण मिलना था, कितना, जितनी जनसंख्या है 13% था उनको, लेकिन 12% दे रहे थे, तो अन्याय हो।